बिहार एसआई और दरोगा का सारा एग्जाम निकालने के बाद जो नया वाला है, ये सारा अनुभव मैंने कलेक्ट किया है अपना, किस सेक्शन से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और कैसे मैंने तैयारी की थी, कैसे सारा एग्जाम निकाला था, ये मैं इसमें बड़े अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो एग्जाम आपका नया वाला हो रहा है 2018 से ये फॉलो हो रहा है, 2021 तक हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, कोरोना और बहुत सारे रीजंस हैं, इनकी वजह से एग्जाम का फॉर्म आएगा और वो तो आएगा ही। लेकिन आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज फॉर्म भरते एग्जाम अगर लिया जाएगा तो आप एग्जाम उस समय दे नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। तो इससे बचने के उपाय ये हैं कि कंप्लीट एनालिसिस उसका समझो कि कहां से एग्जैक्टली सवाल पूछे गए थे, क्योंकि ये आप समझे रहोगे तो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। देखो, इतिहास की बात करें तो तीन पार्ट हो जाएंगे, एक मेडाइवल, आधुनिक, मॉडर्न एंड एंशिएंट। इसमें अगर हम बात करें 2018, 19 और 21 की, इसमें सबसे कम पूछा गया है प्राचीन भारत से, और ये सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो किसी भी चीज से, बुद्ध जैन पढ़ लो। किताबों की भी हम बात करेंगे एक वीडियो में अलग से, और मैंने अपना रिजल्ट भी पब्लिश किया था, आप देख सकते हो मोटिवेशन के लिए। मेडाइवल से अगर बात करें तो 6-4, 3-4, ये मतलब किसी साल पूछ रहा है, किसी साल नहीं पूछ रहा है। जो स्टैटिक एक पार्ट है जो हर बार पूछ रहा है वो है आधुनिक भारत, और ये आधुनिक भारत का ऐसा ताना बाना है कि आप आराम से इसे तैयार कर सकते हो। कौन कौन से सेक्टर से कितनी गूढ़ बातें पूछी जा रही है, गूढ़ इन द सेंस प्रिसाइज फोकस्ड चीजें पूछी जा रही है, वो आपको तैयार कर लेना है, वो सारा टॉपिक हम आपको बताएंगे। अब आता है आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसको जरा ऐसे समझेंगे हम, ये क्या कह रहा है आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कौन से देश का सबसे ऊंचा माउंटेन है जो न्यूज में था, ये भी आ सकता है, या फिर उनके रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जो आप पढ़ना चाहिए आपको जनरली वो, ये भी देखोगे रेशियो, कौन सा फूड का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, कौन सा फूड का उत्पादन ज्यादा करता है, ये वर्ल्ड लेवल पे एक रेशियो आता है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। मतलब कौन से देश में चिली में कॉपर का उत्पादन ज्यादा होता है, तो ये लाइन से पूछा रहेगा कि इन सब देशों में किस में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन ज्योग्राफी में पर्वत, पहाड़, नदी, दर्रे जो भी हैं, इंडियन ज्योग्राफी की हर वो चीज जो आपके आसपास दिखाई देती है, आप जहां भी रहते हो तो सबसे पहले तो लैंड दिखाई देता है, माउंटेन होगा, पठार होगा, मतलब भारत की सीमा होगी, भारत के राज्य होंगे, इन सब चीजों से सवाल पूछे गए हैं। और आपका रेशियो अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो कम है, इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिहार एसआई का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, जरूर देखिएगा उसको, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी में 9 से 12, 10, 9, 10, ये अभी तक का, मतलब 2 साल 2018, फिर 19 और 2021। आगे बढ़ते हैं संविधान। देखिए, संविधान हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, 10 से कम कभी नहीं पूछा गया है, खास करके आखिरी में 2021 के जो दूसरा शिफ्ट हुआ था उसी में 5 पूछा गया है। तो संविधान पढ़िए, क्योंकि आपको काम भी संविधान के लिए करना है, आपके ऐसे भी आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है, और ये सीरीज आपको कहां मिल जाएगी, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की बात करें, ये आपके, मैं अगर बता दूं, करंट से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, करंट से ये जुड़ा हुआ है, आपको ये फोकस रहना है। करंट जब भी पढ़ो तो 1-2 महीने पढ़ो, साल भर के पढ़ जाओ, अभी से पढ़ोगे तब तक करंट चेंज हो जाता है। अच्छी बात है अगर रेगुलर पढ़ रहे हो, सुबह में मात्र 1 मिनट की करंट अफेयर्स हमारी आती है, वो रेगुलर आएगी, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, उसको देख के रिवाइज करना है रेगुलर। 32, 20, 26, मैंने 20 से कम तो पूछा ही नहीं गया है। अब साइंस एंड टेक क्या है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका क्या मतलब है। देखो, साइंस टेक वो होता है, साइंस का वो पार्ट जो करंट में चल रहा है, जैसे चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, या इस तरीके की बातें, कोई डिस्कवरी हो गई, कहीं पे खनिज मिल गया अपने देश में, तो ये साइंस एंड टेक की पार्ट आ जाएगी, ये भी 2, 4, 5 पूछा गया है, 3, 2 से लेकर के 5 तक हाईएस्ट। बाकी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर हम बात करें, फिजिक्स 2, 3, 6, 5, 5, 4। देखो, एग्जामिनेशन में जो पैटर्न होते हैं ना, उस पैटर्न को हर साल बदला जाता है। कारण क्या होता है कि अगर एक ही पैटर्न वो बार बार पूछेंगे आपसे, तब तो आप आदी हो जाओगे उस चीज़ का, और जब आप आदी हो जाओगे तो एग्ज़ाम तो बहुत टफ हो जाएगा बहुत लोगों के लिए, तो वो बदलते हैं। तो फिर भी अगर आप एक एवरेज देखोगे तो हम आपको बता दें, केमिस्ट्री बायो से हमेशा ज़्यादा रहा है, और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये कम रहा है। फिजिक्स के कुछ ही चैप्टर हैं, मैम का जो इसकी तैयारी का, जनरल साइंस की तैयारी कैसे करना है, बीपीएससी की अगर वो वीडियो देखोगे आप,
बीपीएससी को उन्होंने बहुत सी सिलेबस को अच्छे से तोड़ा है, इसको भी हम तोड़ेंगे कि इसमें कहां कहां से पूछ रहा है, और उनकी जनरल साइंस की क्लासेज जो आ रही हैं वो भी आपको देखना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम आपको पढ़ाएंगे भी, प्रैक्टिस भी कराएंगे, हर चीज़ वो देंगे हैंडआउट, टेंशन नहीं लेना है, आप प्रिंट करा के घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिजिक्स सबसे कम हो गया, केमिस्ट्री ज़्यादा है फिजिक्स की अपेक्षा, और बायोलॉजी की एक आपको रेगुलरिटी देखने को मिल जाएगी, ये कम से कम 5 से 14 तक पूछा गया है। अब एक खास बात यहाँ समझिए, जिस समय फिजिक्स कम पूछा गया केमिस्ट्री या बायो ज़्यादा पूछा गया है, यहाँ 3, 11, 14 देखो आप, इसमें 6 पूछा गया तो केमिस्ट्री डेफिनेटली कम हो गया, तो या तो ये ज़्यादा पूछेंगे या ये ज़्यादा पूछेंगे, यहाँ पे कम है। तो आपको तीनों तैयारी करना पड़ेगा, ये तो आपको पता नहीं है ना कि कौन सा ज़्यादा पूछेगा, लेकिन अगर टाइम कम हो तो ये दोनों आप ज़्यादा पढ़ोगे। देखो 10, 13, 7, 6, 5, 5, 3, 6, 11, 14 इतना रेशियो तक रहा है। मैथ रीजनिंग की बात करें तो शुरू में 2018 शुरू हुआ था तो उस समय नहीं पूछे गए थे, एंड उसके बाद 9-9 पूछे जाने लगे, 10-10 वैसे पूछे जाते हैं जो आपसे सॉल्व हो जाए। मैथ रीजनिंग का कंपाइल है ये, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ट्रेन वगैरह का या जो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, हर बच्चा वो सॉल्व कर पाता है, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए पॉलिटी की जो क्लास है वो तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। अब बात रह गई कि पॉलिटी तो आपने पढ़ लिया, फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोर्ड पे मैं समझाते हुए एक एक चीज़ का नोट्स भी बनाऊंगा, आपको नोट्स दूंगा भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कोई भी क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर पूछिए, फॉर्म आएगी, तैयारी आप पहले से करो, नहीं तो लास्ट टाइम में रश हो जाता है और दिक्कतें आ जाती हैं। थैंक यू सो मच।